आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी सुनील के साथ। संदीप रोज अपने गांव से शहर ट्रेन से काम पर जाता था। रोज की तरह शाम को ट्रेन से घर वापस लौट रहा था और आज पहली बार ही ट्रेन में उसे नींद आ गई। शोर से आते ट्रेन के हॉर्न की आवाज से संदीप की नींद टूट गई। उसने चारों तरफ देखा तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। वो ट्रेन से उतरा और स्टेशन का नाम देखा तो पता चला कि उसके गांव का स्टेशन तो पीछे ही छूट गया। वो अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर आगे चला गया। स्टेशन सुनसान था और रात भी हो चुकी थी। वो जानता था कि इस वक्त कोई ट्रेन नहीं मिलने वाली, तो क्यों ना रेलवे ट्रैक पर ही पैदल चलते हुए घर पहुंचा जाए। उसने अपना बैग कंधों पर रखा और ट्रैक के सहारे गांव की तरफ चलने लगा। रात का अंधेरा, झिंगुरों की आवाज और रह रह कर कुत्तों की भौंकने की आवाजें, चारों तरफ सन्नाटा, ये सब मिलकर संदीप के शरीर में डर का माहौल पैदा किए जा रहे थे। संदीप थोड़ा बीड़ी पीने का शौकीन था। बीड़ी जलाई और चलता गया। करीब 2 किलोमीटर चलकर संदीप को 10 ही कदम दूर ट्रैक पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। संदीप 5 कदम दूर उसके सामने रुक गया। अंधेरा था तो संदीप उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। संदीप ने उससे कहा, आप कौन है भाई साहब और इतनी रात गए ट्रैक पर क्या कर रहे हो? उसने संदीप की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर कुछ कहा जरूर। ये बीड़ी मुझे दे दे। संदीप ने कहा, आप ये दूसरी ले लो, ये नहीं दूंगा मैं, चाहे तो आप दूसरी ले सकते हो। संदीप ने जेब से बंडल निकाला और कहा, दूसरी ले लो मगर ये नहीं दूंगा मैं। अंधेरे की चादर ओढ़े उस आदमी ने फिर कहा, दूसरी नहीं, तेरे हाथ की जलती हुई पीड़ी ही चाहिए। संदीप को अब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। उसने उसे इग्नोर किया और ट्रैक से उतरकर 20 कदम आगे चल फिर ट्रैक पर चढ़ा और पीछे पलट के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो बस आगे चलता गया। चलते चलते फोन निकाल के देखा तो रात के 2 बज चुके थे और फोन में नेटवर्क भी नहीं था। कुछ देर चलते चलते उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर वजन रख दिया हो। संदीप की चलने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सर से पसीना बहने लगा। वो रुका और अपना बैग उतारा। बैग तो कंधों से उतार दिया मगर उस पहुंच को कम ना कर सका। उसे एहसास होने लगा जैसे कोई उसके कंधों पर बैठा हो। वो समझ चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने जल्दी से वापस एक बीड़ी जलाई। बीड़ी चलाते के साथ ही उसके कंधों का बोझ एकदम से खाली हो गया और थोड़ा जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। शरीर में खून के साथ साथ डर भी दौड़ रहा था। गांव अभी थोड़ा दूर था तो वो ट्रैक पर थोड़ा दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसे लग रहा मानो कोई उसके दाएं, बाएं और साथ ही उसके पीछे कोई और भी दौड़ रहे हों। वो अब साफ साफ अपने चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी फील करने लगा। उसने फिर जल्दी से एक बीड़ी जलाई और
और बीड़ी चलाते के साथ ही वो अब अपने आसपास नॉर्मल महसूस करने लगा। उसने अपनी चलने की स्पीड थोड़ी बढ़ाई ताकि जल्दी से घर पहुंच सके। थोड़ा आगे पहुंचने पर संदीप की सांसें फूलने लगी। वो थक चुका था मगर फिर भी रुकने की बजाय वो बस चलता रहा। चलते चलते उसे एक आवाज सुनाई दी। संदीप ने उस बच्चे की आवाज को सुन के भी अनसुना करते हुए बस चलता रहा। धीरे धीरे वो आवाज उसके और करीब आती गई। वो रुका और गुस्से से कहा, कौन हो तुम और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? पीछे पलट के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदीप ने दो तीन छोटे बच्चों को वही ट्रैक पर लेटा हुआ देखा जो मरे पड़े थे। देख के लग रहा था मानो ट्रेन के आगे कटकर इनकी जान गई हो। संदीप उन्हें देखने के लिए धीरे धीरे उनके करीब आया और करीब आते ही वो बच्चे अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए और पीछे से एक आवाज आई। वो उठ के जोर से भागा और उसके पीछे मानो वो बच्चे भी भाग रहे हों। भागते भागते उसने फिर एक बीड़ी चलाई। बीड़ी चलते ही वो आवाजें भी दूर हो गई। ये संदीप की आखिरी बीड़ी थी। दौड़ते दौड़ते उसकी बीड़ी भी खत्म हो गई, साथ ही माचिस भी। काफी थक जाने की वजह से वो रुका, पानी की बोतल निकाली और पानी पिया। नजर ट्रैक पर थोड़ा आगे तक गई तो ट्रैक के पास ही उसके गांव का बोर्ड लगा था। वो समझ गया था कि अब घर ज्यादा दूर नहीं है। उसने फिर चलना शुरू किया। कुछ ही कदम आगे चला ही था कि उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। पीछे पलट के देखा तो एक औरत ट्रैक पर बैठी रो रही थी और उसके पास एक बच्चा भी था जो मरा पड़ा था। इतना कुछ देखने के बाद संदीप वहीं बेहोश होकर गिर गया। संदीप को होश आया तो घर वालों ने बताया कि गांव के करीब ही वो कुछ लोगों को ट्रैक पर बेहोश पड़ा मिला और आज उसे 3 दिन बाद होश आया है। संदीप ने अपने साथ हुई आपबीती बताई। कुछ दिन तक संदीप उस रात को भुला ही ना सका। वो फिर से काम पर जाने लगा मगर फिर कभी काम से लौटते वक्त ट्रेन में सोया तक नहीं। संदीप जानता था कि ऐसी परिस्थिति में सिर्फ आग ही है जो उसे बचा सकती है। फिर वो चाहे आग बीड़ी के रूप में हो या मशाल के रूप में। कहते हैं बुरी और भटकती हुई आत्माएं आग से दूर रहती हैं और रेलवे ट्रैक जहां ट्रेन के आगे कूदकर कितने ही लोग अपनी जान दे देते हैं और ऐसी आत्माएं कभी मोक्ष नहीं पाती, बस वहीं भटकती रहती है। आप ये रात के समय रेलवे ट्रैक के करीब मत जाइएगा।